Welcome to yet another episode of UUICI, Ultimate Useful Information Channel of India. आज हम दोस्तों एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे जो बहुत अलग हटके है. मैं इसलिए अलग हटके बोल रहा हूँ क्योंकि वैसे तो जेमोलॉजी, जेमस्टोन्स, रत्न, उनको खरीदना, आपकी कुंडली के हिसाब से, ज्योतिष के परामर्श के हिसाब से, ये वाली सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कहीं ना कहीं अवेलेबल रहती है, मिल जाती है. मगर एक जो प्रश्न अक्सर मैंने देखा है लोगों को दिमाग में रहता है वो ये कि अगर आप कोई रत्न धारण किए हुए हैं, इफ यू आर वेयरिंग अ जेमस्टोन रिंग, then how to recharge it. पहली बात तो क्या रिचार्ज की जरूरत पड़ती है, अगर पड़ती है तो फिर किस तरीके से किया जाए और कब कब किया जाए. तो दोस्तों ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो कि अपने जो उन्होंने रिंग पहनी है या उन्होंने लॉकेट पहना है या ब्रेसलेट पहना है, किसी भी तरीके से आपने जो रत्न धारण किया है उसको किस प्रकार से आप घर के अंदर ही बहुत ही आसान उपाय से आप उसको रिचार्ज कर सकते हैं, उसकी शक्ति वापस बरकरार कर सकते हैं. क्योंकि एक चीज तो दोस्तों हार्ड फैक्ट है, आप कोई मशीनरी लाते हैं उसका उपयोग करते रहते हैं, अगर आप उसको यू नो मेंटेनेंस ना करें तो वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती. ये भी बात है दोस्तों कि अगर आप कपड़े ले जूते देख लीजिए, आप किसी भी प्रकार की वस्तु देख लो जो आप रेगुलरली उपयोग करते हो, तो उसको धोना, साफ करना, ये काफी जरूरी है. इसी प्रकार से दोस्तों जो आपने रत्न की धारण किया हुआ है, रिंग या लॉकेट, ब्रेसलेट, जैसे मैंने कहा, किसी भी तरीके से उसको भी साफ सफाई और उसको भी चार्ज करना बेहद जरूरी होता है. तो आइए देखते हैं ये इंटरेस्टिंग वीडियो. और दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को सो दैट आपको किसी प्रकार की भी नई, जब यूजफुल हम वीडियो अपलोड करें आपको उसकी जानकारी मिल जाए. सबसे पहले हम देखते हैं पुखराज. जी हाँ दोस्तों, अगर आपने पुखराज धारण किया हुआ है तो उसको आप किस प्रकार से चार्ज करेंगे. देखिए, आपको इसके लिए लेना है एक सोने या तांबे की छोटी सी प्लेट, और जैसे मैंने दर्शाई है दोस्तों स्क्रीन पे, आप उसी प्रकार की अगर प्लेट लेंगे तो ज्यादा फायदा है, क्योंकि इसमें हम जो चीज डालने वाले हैं उसके साथ में हम अपनी अंगूठी भी डालने वाले हैं. तो आपको तकरीबन ऐसी एक प्लेट लेनी है जिसको हम शैलो प्लेट बोलते हैं, ज्यादा डीप ना हो, जिसके अंदर पे कि अंगूठी भी समा जाए, उसमें भर जाए जो भी वस्तु हम डालने वाले हैं, जो हम आगे वीडियो में देखेंगे. और ये जो मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, ये सारे ही जितने हमने रत्न लिए हैं आज के, उन सबके लिए कॉमन है. तो आप एक प्लेट ले लें और इसमें आप दोस्तों गंगा जल डालेंगे और आप हल्दी का पाउडर डालेंगे. हल्दी पाउडर, गंगा जल, इसको आप थोड़ा सा चम्मच से हिला लीजिएगा, वो मिक्स हो जाएगा. उसमें आप पुखराज की अपनी अंगूठी रख देंगे. और दोस्तों ये आपको जो विधि है या ये जो उपाय है, ये आपको करना है थर्सडे के दिन सूर्य उदय के समय. आप तकरीबन 2 से 3 घंटे इसे ऐसी जगह पे रख दें, आपके यू नो रूफ पे, आपके टेरेस पे, जहां पे कि अफकोर्स निगरानी में भी रहनी चाहिए. यह ना हो कि भाई गायब हो गई आपने रखा, और आप ऐसी जगह रखिए बालकनी में, खिड़की के पास, जहां पर कि सूर्य की किरणें इसके ऊपर पड़े. और काफी पॉजिटिव ऊर्जा देता है यू नो सूर्य जब उदय होता है, तो आप देखेंगे अक्सर सारी चीजें विधि विधान ये अक्सर कहे जाते हैं कि प्रातःकाल सूर्य उदय के समय 1-2 घंटे के दरमियान में कर लिया जाए. सो नेवरतलेस दोस्तों, अगर सूर्य उदय हो भी चुका है तो आप अर्ली स्टेज में, मतलब तकरीबन आप ये 9 के पहले पहले आप ये कर सकते हैं, अगर 7 बजे सूर्य उदय हुआ है. सो 2 से 3 घंटे आपको इसको डुबो के रखना है. आप ज्यादा भी रख सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी, बट नॉर्मली लाइक मैक्सिमम 3-4 आवर्स आर सफिशियंट इनफ फॉर गेटिंग इट रिचार्ज. उसको आप फिर बाहर निकाल लीजिए, उसके बाद में आप जो है साफ करके उसको पहन सकते हैं. दोस्तों बारी आती है मोती की. देखिए, मोती काफी ठंडक प्रदान करता है, इसीलिए आप प्रिफरेबली आप एक चांदी की छोटी सी यू नो कटोरी कह सकते हैं, एक शैलो डिश कह सकते हैं, वो आप ले लीजिए. उसमें आपको गंगा जल और कच्चा दूध जो उबला ना हो, इसको मिश्रित करके इसको आपको उस यूटेंसिल में लेना है. उसमें आप अपनी जो रिंग है या आपका लॉकेट है या ब्रेसलेट है उसको आप इसके अंदर पे डाल देंगे और इसको डुबो के. दोस्तों देखिए, इसमें कोई दिन पर्टिकुलर नहीं मेंशन है, लेकिन आपको पूर्णिमा या फुल मून नाइट जो होती है उसमें आपको ये चीज करनी है. और स्क्रीन पर दर्शाया भी गया है कि फुल मून नाइट है, वहां पे आप इसको रख देंगे कि वो चांद की जो किरणें हैं वो इसके ऊपर रोशनी पड़े. और दोस्तों ये आप रात भर भी प्रयोग कर सकते हैं, मतलब आप इसको रख सकते हैं कि ये पूरी रात उसके अंदर पे रहे, और जब ये हो चुका हो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, आप उठ के इसको फिर से पानी से धो के साफ करके आप इसको ग्रहण कर सकते हैं, पहन सकते हैं. अब दोस्तों बारी है माणिक की. देखिए, ये आपको संडे को करना है, रविवार को सूर्य उदय के समय. जैसे मैंने बताया, आपको सोना और तांबा, इन दोनों में से जो भी एक छोटी सी थाली तो नहीं मगर डिश, पर्टिकुलरली शैलो या उसकी कटोरी, वो आपको लेनी है. उसमें गंगा जल डालना है और उसमें आपकी माणिक की जो भी आपकी वस्तु है वो आपको डुबो के रख देना है. और उसी प्रकार से 3 से 4 घंटे आप, जैसे मैंने समय आपको बताया है, आप उसको रख दीजिए. सूर्य की किरणें पड़ेंगी और ये एक तो साफ भी होती रहेगी और प्लस रिचार्ज भी हो जाएगी. देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी तक जो आपने वीडियो में ऑब्जर्व किया कि जो यूटेंसिल, मतलब जिस चीज में आप रख रहे हैं, छोटी सी थाली कह लीजिए या फिर कटोरी कह लीजिए,
उसका जो मेटल है, चाहे वो सोने का, चांदी, तांबा, ये जो मैं आप लोगों को प्रेफरेंशियल बता रहा हूँ, इसके पीछे भी एक खास लॉजिकल कारण है। हम ज्यादा लंबा वीडियो ना बनाए इसलिए मैंने क्रिस्प और शार्प पॉइंट रखे हैं, पर दोस्तों ये डायरेक्टली उस मेटल के साथ में, उस रत्न के साथ में इन दोनों का संबंध है। और ये जो डेज हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं इनका भी खास उस रत्न के साथ में दिन तय होता है, कोई ना कोई रिश्ता है। तो हम ज्यादा विवरण नहीं देंगे, बट जो जो हमने इसके अंदर बताया है आप उसको मान के चलिए, यकीन मान के चलिए कि काफी रिसर्च के बाद में, स्टडी के बाद में हमने दिया है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि माणिक आपको 3 से 4 घंटे रखना है और उसके बाद में दोस्तों आपको इसको निकाल के साफ करके पहन लेना है। अब बारी आती है पन्ना की। पन्ना आपको वेडनेसडे के दिन सोना या तांबा, दो में से एक, उस वाली प्लेट में या छोटी डिश और कटोरी के अंदर पे आपको गंगा जल और तुलसी के पत्ते, दोस्तों ये मिश्रण करके आपको उस अंगूठी या लॉकेट को डालना है। देखिए तुलसी के पत्ते, मैं आपको बता दूं एक और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन कि कभी भी शाम के वक्त में, 6 के बाद में कभी नहीं तोड़ते, उनको हाथ भी नहीं लगाते, और सुबह भी सूर्य उदय के बाद में ही आप उनको छू सकते हैं, और वो भी अच्छे से जब आप नहा धो के साफ सुथरे हो। प्रेफरेबली जो मेल कैंडिडेट है घर के उनके थ्रू आप तोड़वा सकते हैं, और आप उसको लेके उसको थोड़ा साफ करके आप फिर उसके बाद में गंगा जल के साथ में इसको छोड़िएगा और उसके अंदर पन्ने की अंगूठी डालिए। वेडनेसडे को जैसे स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है सूर्य उदय के समय, वही 3 से 4 घंटे मैक्सिमम आप रखिए और उसके बाद में इसको निकाल के आप साफ करके पहन सकते हैं। अब दोस्तों अभी तक वीडियो में आपने देखा कि भाई अक्सर वो मैं प्लेट की बात कर रहा हूँ, कटोरी के, उसमें जो आप मिला रहे हैं, तो फिर उसका क्या करना अगर वो चीज कटोरी में रह जाती है डिश में, तो क्या करेंगे उस चीज का? देखिए दोस्तों कोई टेंशन की बात नहीं, आपके आजू बाजू पार्क होगा, आपके घर में खुद कहीं ना कहीं पेड़ झाड़ पौधे होंगे, आप उसके अंदर उसको डाल दीजिए, या फिर आप वॉश बेसिन में उसको बहा भी सकते हैं, पर वेस्ट करने से अच्छा आप कहीं ना कहीं उसको ऐसा डाल दीजिए कि पानी काम में आ जाए, क्योंकि है अल्टीमेटली वो गंगा जल। तो दोस्तों ये रहा पन्ना। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, देखिए अगर आपको ये यूजफुल लग रही है इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो आपको काफी काम का लग रहा है, तो जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको क्या फायदा हुआ, आपने इस चीज को इंप्लीमेंट किया, आपने उपयोग में लाए ये उपाय कि नहीं। और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, देखिए ये आपके ही दोस्त रिश्तेदारों के लिए जरूरी है। अब हम बात करते हैं नीलम की। देखिए दोस्तों नीलम का दिन होता है शनिवार सैटरडे। अब देखिए यहाँ पे आपको चित्र में दिखाया जा रहा है कि एक शिवलिंग बनी है और एक प्रकार का और एक चित्र है जिसमें हमने ये दर्शाने की कोशिश की है कि आपको ये जो उपाय है, ये जो प्रयोग है, ये आपको रात भर करना है। मतलब जैसे आपने शाम को या रात को रख दिया 8 या 9 बजे, और उसके बाद में आप अगले दिन सुबह जो है आप इस चीज को वापस उठाएंगे, लेंगे उसके अंदर से बाहर। अब करना क्या है दोस्तों, देखिए नीलम को आप किसी भी प्लेट, किसी यूटेंसिल जो स्टील के होते हैं या तो फिर चांदी का भी आप ले सकते हैं, इन दोनों में से एक छोटी सी थाली या कटोरी, उसमें गंगा जल आपने लिया, और यहाँ पे आपको दोस्तों नमक लेना है, और वो भी सेंधा नमक, ये तुरंत पानी में मिल जाएगा, आपको ये घोल के रखना है, उसके अंदर नीलम डाल देना है, और इसको ओवरनाइट जो है आप या तो किसी मंदिर में, अगर आपके घर के नजदीक, वैसे लॉकडाउन का समय है, कोरोना वायरस फैल रहा है, एडवाइजेबल नहीं है, लेकिन अगर आपके पॉसिबिलिटी है कि आपके घर के काफी नजदीक एक छोटा सा शिवलिंग है और उसके ऊपर पूजा अर्चना होती रहती है, तो आप वहां उसके बाजू में ये रख दीजिए, और अगर नहीं नो प्रॉब्लम, आपके घर का जो मंदिर है उसमें जरूर शिवलिंग होंगे, आप उसके बाजू में इसको रख दीजिए। मन से मनोकामना आपको ये सारे रत्नों में करनी है दोस्तों, जो भी उनके जैसे सूर्य देवता है तो आपको उनको बोलना है, या उस पर्टिकुलर रत्न के जो भगवान जिससे संबंधित है उनसे आपको जरूर मनोकामना करनी है कि हे ईश्वर आप इसको रिचार्ज कर दीजिए, आप इसको चार्ज कर दीजिए, अपनी शक्तियां इसके अंदर डालिए ताकि इसका प्रभाव वापस हो जाए। देखिए मानो तो सब कुछ है दोस्तों, ना मानो तो कुछ नहीं, लेकिन अपनी ओर से यूजफुल इन्फॉर्मेशन के थ्रू, इस चैनल के थ्रू हम आपको सबसे सटीक जानकारी देते हैं। तो ये आप ओवरनाइट रख लेंगे और रात होने के बाद में सुबह जैसे मैंने बताया साफ करके आप इसको फिर ग्रहण कर सकते हैं। मूंगा, मूंगा दोस्तों ट्यूजडे के दिन ये आपको उपाय करना है, अर्ली इन द मॉर्निंग सनराइज। अब तो खैर चित्र में आप इतनी देर से वीडियो देख रहे हैं तो सारी चीजें आप ऑटोमेटिकली समझने लगे होंगे कि भाई हाँ मॉर्निंग में रखना है, 3 से 4 घंटे सोने या तांबा जो है इन दोनों में से किसी एक मेटल का आपको एक शैलो डिश या फिर एक छोटी कटोरी लेनी है, उसके अंदर आप गंगा जल लेंगे, और दोस्तों इसमें आपको शहद ऑब्लिक शहद का पाउडर, यानी आपको अगर आप कभी पतंजलि में जाएं या किसी अन्य स्टोर में जाएं तो आपको वहां पे शहद का पाउडर मिल जाएगा, तो आप वो पाउडर गंगा जल में मिला के उस मेटल प्लेट में रख सकते हैं, उसमें आप मूंगा डुबो दीजिएगा और उसके बाद में आपको 3 से 4 घंटे रखना है, ये चार्ज हो जाएगा 3 से 4 घंटे बाद, उसके बाद में आप पहन लीजिएगा। अब बारी है हीरे की। हीरे की अंगूठी दोस्तों या लॉकेट या आपका जो भी ब्रेसलेट है उसको आपको एक यूटेंसिल लेनी है। देखिए यहां पर मैंने स्पेसिफाई नहीं किया है तांबा या सोना, इसका मतलब है आप एक जनरिक कोई भी यूटेंसिल ले सकते हैं, और उसमें आपको गंगा जल के साथ में मिट्टी, दोस्तों मिट्टी के बारे में मैं बता दूं कि चूंकि उपजता वहीं से है हीरा, इसीलिए हमने इसके अंदर मिट्टी ली है, ये जनरिक जो सैंड वाली मिट्टी होती है या मुर्रम होती है आप वो बिल्कुल मत लीजिएगा। देखिए किसी भी आप पार्क में चले जाइए, आपके भी घर में गमले होंगे, उसके अंदर मिट्टी होगी, तो जो साफ मिट्टी है आप जब उसको हाथ में लेंगे तो ऐसे बहुत सारे कंकड़ या पत्थर ना हो, साफ मिट्टी हो जिसके अंदर आसानी से ये जो है। अच्छा दोस्तों गंगा जल भी आपको कम लेना है, मतलब ऐसा डुबो नहीं देना है कि पूरा पानी पानी हो गया, काफी कम, यानी 8 से 10 बूंदे, जिससे कि मिट्टी फिर से गीली हो जाए, और जिसको हम कहते हैं कि उसके अंदर आपको एक पेस्ट समान अगर आप बना लें तो ज्यादा प्रेफरेबल है, और वहां पे आपको ये हीरे की अंगूठी को
लगा देना है, अंदर डाल देना है, जिससे कि वो उसके अंदर पे पूरी तरीके से भिज जाए। और फिर आपको दोस्तों ये फ्राइडे के दिन उपाय करना है कि लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने, मूर्ति के सामने आप इसको रख दीजिएगा, मनोकामना जैसे मैंने बताया आपको करना है। और चूंकि वहां पर रिप्रेजेंटेशन एक पिक्चर के द्वारा दिखाया गया है, ओवरनाइट आपको ये रात भर रखना है। अगर पॉसिबल नहीं है तो जब भी ये पिक्चर आए आप ये समझ लीजिए कि भाई 4 से 5 घंटे तकरीबन दरमियान इतना भी रख दिया तो भी चलता है। तो ये रहा दोस्तों हीरे के बारे में, और इससे ये चार्ज हो जाएगा और ये आप फिर निकाल के आप इसको साफ करके पहन सकते हैं। तो दोस्तों ये रहे प्रमुख ऐसे रत्न जो अक्सर हमने देखा है कि लोग धारण किए होते हैं। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको पसंद आई ये मेहनत तो आप लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और दोस्तों जाने के पहले मैं, जैसे हमेशा की हमारी आदत है, कि कुछ यूजफुल लिंक्स हम आपके पास में छोड़े देते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके आपको डिटेल मिल जाएंगे, और ये खास ऐसे यूजफुल वीडियोस के लिंक है दोस्तों, जो चूंकि बात रत्नों की चली है आप लोगों को जरूर पसंद आएंगे। पहला है दोस्तों मोती। जी हाँ, असली मोती की क्या पहचान होती है, जब भी आप खरीदें या अगर आप ऑलरेडी खरीद चुके हैं, किस प्रकार से आप ये वैलिडेट कर सकते हैं कि क्या जो ये मोती आपके हाथ में है ये जेन्युइन है कि नहीं। 100% वेरीफाइड टेस्ट है दोस्तों इसके अंदर, जो बहुत आसानी से आप बिना किसी ज्यादा इक्विपमेंट या अपैरेटस के खुद ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले उस श्रृंखला में आता है मोती, आप ये वीडियो हमारा जरूर देखिएगा। और दूसरा है दोस्तों पुखराज। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज्यादा खरीदारी होती है पुखराज की, और मैक्सिमम लोग इसके अंदर पे कभी कभी पैसे गवा के या कभी कभी गलत इंफॉर्मेशन के कारण नकली पुखराज लेके, या फिर थाईलैंड वाले जो नकली आते हैं सिंथेटिक पुखराज, वो लेके आप पैसे फंसा के पछताते हैं, असर नहीं होता, फल नहीं मिलता। तो आप ये भी हमारा देखिए, ये सबसे ज्यादा लाइक किया हुआ हाईली अप्रिशिएटेड वीडियो है अबाउट पुखराज, और ऐसे हमने टेस्ट बताए हैं 5 जिससे आप आश्वस्त हो जाएंगे कि आपने जो पुखराज लिया है ये ओरिजिनल है। तो आप ये जरूर देखें। और लास्ट में दोस्तों अगेन मेरी रिक्वेस्ट, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।